आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। तो गाइज, यहाँ पर क्या बोला गया है, डायगोनल रिलेशनशिप की बात हुई है। तो पहले देखिए डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है। डायगोनल रिलेशनशिप किसको बोलते हैं गाइज? द रिजेंबलेंस इन प्रॉपर्टीज या फिर इन सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ टू एलिमेंट्स विच आर लोकेटेड डायगोनली इन पीरियोडिक टेबल जनरली इन सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड। ठीक है गाइस, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है कि कोई एक एलिमेंट है या फिर मेटल है सेकेंड पीरियड का, ठीक है, M1, अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं थर्ड पीरियड के नेक्स्ट ग्रुप के मेटल के साथ, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, रिजेंबलेंस जो है वो डायगोनली मेटल के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज होने के कारण उसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप्स। ऐसा क्यों होता है, जैसे कि हम लेफ्ट टू राइट ट्रैवल कर रहे हैं तो मान लो कोई प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रही है एंड टॉप टू बॉटम कोई प्रॉपर्टी डिक्रीज कर रही है, ठीक है गाइस, तो जब डायगोनली हम चलेंगे तो वो काउंटर बैलेंस हो जाता है, जितना यहाँ चलने पर इंक्रीज हुआ था उतना नीचे चलने पर डिक्रीज हो गया था, तो यहाँ पर जो थी उसकी प्रॉपर्टी सेम देखी गई, ठीक है गाइस, तो ऐसे पेयर्स को क्या बोले गए, डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हुए उनको कहा गया। तो ऐसे यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है गाइस, तो बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम जो है वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो हमें ये बताना है कि इन चार पॉइंट्स में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इस डायगोनल रिलेशनशिप को सेटिस्फाई नहीं करता। ओके गाइस, चलिए, पहला है बोथ BeO एंड Al2O3 आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो गाइस, बोथ BeO एंड Al2O3 जो बेरिलियम का ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम का, दोनों एम्फोटेरिक होते हैं। तो गाइस, एम्फोटेरिक हमें पता होना चाहिए क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है जो बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस की तरह काम करे, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें तो BeO की अगर हम 2HCl के साथ रिएक्शन करें तो वो BeCl2 प्लस H2O फॉर्म करता है, ठीक है गाइस, ऐसे ही BeO जो है उसकी अगर 2NaOH के साथ रिएक्शन कर ले हम तो Na2BeO2 प्लस H2O की फॉर्मेशन कर देता है। तो गाइस, इसने दोनों के साथ रिएक्शन की, एसिड एंड बेस, तो ये क्या हो गया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऐसे ही एल्यूमिनियम का बोल सकते हैं, Al2O3 अगर 6 मोल्स ऑफ HCl के साथ रिएक्शन करता है तो वो 2 मोल्स ऑफ AlCl3 और 3H2O की फॉर्मेशन कर देता है, और अगर हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएं, ये तो होगी एसिड की, तो Al2O3 प्लस 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ अगर रिएक्शन करता है तो 2NaAlO2 बनाता है, ठीक है गाइस, एंड एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो ये इसने एसिड के साथ रिएक्शन की, तब तो ये बेस का काम कर रहा था, एंड जब इसने बेस के साथ रिएक्शन की तब ये एसिड का काम कर रहा था। तो गाइस, ये एज ए एसिड एंड एज ए बेस दोनों की तरह वर्क कर रहा है, इसका मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो पहला पॉइंट करेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या गाइस, बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम फॉर्म पॉलीमेरिक कोवलेंट हाइड्राइड्स। तो गाइस, इसका क्या मतलब हुआ, जो देखिए बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम है उनकी जो साइज होती है वो स्मॉल होती है, हैव स्मॉल कैटायनिक साइज, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, स्मॉल कैटायनिक साइज होने के कारण उनकी जो पोलराइजिंग पावर हो जाती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, सो मोर पोलराइजिंग पावर, और उसकी वजह से क्या होता है, दे कैन डिस्टोर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, ठीक है गाइस। अब जो एनायन है लार्ज साइज का, उसको ये जो स्मॉल साइज के कैटायंस हैं वो क्या करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वो डिस्टोर्ट कर देते हैं, जिसके कारण उसकी हम कह सकते हैं कि कोवलेंसी बढ़ जाती है, मतलब वो आयनिक कंपाउंड कम बना पाता है और कोवलेंट कंपाउंड ज़्यादा, सो वो कोवलेंट हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं।
अब गाइज यहाँ पर ये पॉइंट था हमारा, ये भी सही हो गया, पॉलीमेरिक कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं, तो दो पॉइंट हमारे सही हो चुके हैं। थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है, बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम फॉर्म नाइट्राइड्स विद नाइट्रोजन विच इवोल्व अमोनिया विद वाटर। इसका मतलब क्या है गाइज, जब हमारे बेरिलियम और एल्यूमिनियम अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करें तो क्या फॉर्म करते हैं, नाइट्राइड, और उसको फिर हम NH3, उसको फिर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो वो NH3 इवॉल्व करवाता है। तो देखिए इसकी रिएक्शन भी हम देख के स्टडी करते हैं, जब बेरिलियम जो है 3 मोल N2 के साथ रिएक्शन करेगा तो वो Be3N2 बनाता है गाइस, ठीक है, ये क्या हो गया इसका, नाइट्राइड। अब इसको अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन कर देता हूँ, ठीक है, तो ये 6 मोल ऑफ वाटर कंज्यूम करेगा और यहाँ पर 3BeOH का ट्वाइस प्लस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया रिलीज कर देगा। एंड गाइज यही बोला गया था कि नाइट्राइड बनाएगा पहले, देन वाटर के साथ रिएक्शन करने पर ये क्या करेगा, अमोनिया रिलीज कर देगा। और बात आए अगर Al2O3 की, तो उसके केस में क्या बनता है गाइस, जो एल्यूमिनियम होता है वो देखिए 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम मिलकर N2 के साथ 2AlN बनाते हैं, ठीक है। अब जो AlN है वो 3 मोल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करेगा अगर, तो वो अमोनिया प्लस AlOH का थ्राइस की फॉर्मेशन करता है। तो गाइस इसके अंदर ही यहाँ पर नाइट्राइड बना, फिर यहाँ पर अमोनिया रिलीज किया जब वाटर के साथ रिएक्शन किया, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, बोथ बी एंड AL फॉर्म नाइट्राइड्स, दोनों ने नाइट्राइड फॉर्म किया, सही बात है, एंड विच इवोल्व NH3 विद वाटर। तो गाइस दोनों पॉइंट सही है, वाटर के साथ रिएक्शन करने पर अमोनिया बाहर निकला, 3 पॉइंट हमारे सही आ चुके हैं। फोर्थ पॉइंट का टर्न है, बोथ मेटल कार्बोनेट्स आर हाईली स्टेबल। तो गाइस ये पॉइंट हमारा गलत हो गया, क्योंकि देखिए बोथ जो मेटल कार्बोनेट हैं, BE एंड एल्यूमिनियम के जो हम बोल सकते हैं मेटल कार्बोनेट, एक साथ ही स्टडी कर सकते हैं इनको हम, मेटल कार्बोनेट्स के अंदर, इन मेटल कार्बोनेट्स मेटल कैटायन जो है, मेटल कैटायन साइज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू, इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कार्बोनेट आयन या फिर कार्बोनेट एनायन। ओके गाइस, अब एनायन की साइज़ के कंपैरिजन में मेटल की साइज़ का जो कैटायन है वो बहुत कम होना, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से वो कोवलेंट बनाएगा करेक्टर। मतलब देखिए जब वो बहुत कम साइज़ होगी तो वो क्या करेगा, एनायन का इलेक्ट्रॉन आयन जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है उसको क्या करेगा, डिस्टोर्ट, एंड लैटिस एंथैल्पी जो होगी वो क्या हो जाएगी, लेस, जिसकी वजह से पोलराइजेशन होने की वजह से क्या करेगा, कोवलेंट करेक्टर इसका बढ़ जाएगा, एंड हम क्या बोल सकते हैं, आयनाइजेशन जो है इसका लेस होगा, सो ये स्टेबल कम हो जाएगा, अनस्टेबल, ठीक है गाइस, क्योंकि मेटल की साइज ज़्यादा स्मॉल है एंड कार्बोनेट की साइज ज़्यादा लार्ज है, तो ये स्ट्रक्चर मतलब एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं डायरेक्ट, अगर हम इनके चक्कर में ना पड़े कि कैसे क्या कोवलेंट आयनिक बनता है, तो हम डायरेक्ट भी स्टडी कर सकते हैं कि जैसे स्मॉल कैटायन है और लार्ज एनायन है तो उसके चांसेस कम होते हैं कि वो स्टेबल रहे, एज कम्पेयर टू अगर इनकी सेम साइज होती तो चांसेस ज़्यादा थे क्योंकि उनकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाती। अब इसके केस में क्या है, लैटिस एनर्जी लेस क्योंकि उनकी साइज में बहुत डिफरेंस है, तो इसकी वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर क्या दे रखा है, हाईली स्टेबल, तो ये पॉइंट हमारा गलत होगा। ओके गाइज यहाँ पर क्या पूछा था, डज नॉट शो डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन BE एंड AL, तो ये डी पॉइंट जो है वो हमारा इसका करेक्ट आंसर आएगा। थैंक यू गाइज। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।